हायर मेरी नागनी, 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 हायर मेरी नागनी। यो क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आया। नौकर हायर मेरी नागनी, हायर मेरी नागनी। चल दादा तो बुझूंगा, रोटियां तो जुगाड़ हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम दादा। नमो नारायण। नमो नारायण। आ गया, कर लिया रोटी टुक्का जुगाड़। दादा रोटियां जुगाड़ तो कर लिया, पर भीतर में कोनी उतरा। के बात, आज रोटी बासी थे ही है के, ज्यादा भीतर में कोनी उतरा। दादा रोटी तो मैं ताती लिया हूँ, पर कणी में सीधे गया जो तेरा गुरु समाधि मत भी उठ के आ जाने, वो भी कोनी बता सकता। और फिर तेरा पकड़ा जवाब पाओ था, जब तो रोटी भी तरला में कोनी उतरा। अरे मेरा गुरु तो वो त्रिलोकीनाथ है, जिसने पल पल का ज्ञान से जो उसने मेरे तक उत्तर बताना होगा ना, तो चाहे तू किम में पूछ लिए तन्ने तेरा सवाल का जवाब मिलेगा। अरेब तो रोटी पाछे ही खावांगे, तू पूछ ईसा के देख आया। एक छक जवान छोरा है, अरुक के मर्दा हंड है, हायरे मेरी नागण, हायरे मेरी नागण। बताई बे संदीप, तू भी नरी अड़ज पड़ज बात देख के आओ है, लेकिन जो तू आज देख के आ है ना, या सब त अलग और रोमांचक से। या बात नू कौन थी, इस गांव में एक पवन नाम का आदमी था, जिसका बालक को नहीं होया कर दे, और वो अपनी वंश बेल चलाने खातर बहुत घना दुखी रहा करता, जबकि उसके दो दो ब्याह हो रहे थे। मर्द व्यवहारी ने सरता कोन्या, गरस्ती आड़े खेल बिना, भाई घर बारी। सुनो के रोटी खा लो के, भूख कोनी मन, तू खा ले। मन बेरा है, भूख क्या तक कोनी अपने, पर अन छोड़ना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। इस बात का तो मन नहीं बेरा है, पर बड़े बुजुर्ग कहंदे आए कि वंश बेल फैलने खातर ब्याह करवाना चाहिए, और हमने दो दो शादी करवा ली। अब मेरी किस्मत में देख, फिर भी बालक कोनी, बता मैं के करूँ। शाना न्यू क्या करे, समय तो पहले और भाग्य तो ज्यादा किसे ने कोने मिला करता। अरे एक बात बता, मन तक मैं कसर भी ना छोड़ी, मैं तो अपनी बाण ने भी ली आई, पर कुछ चीजें भगवान का हाथ छोड़ देनी चाहिए। इसमें भगवान क्या करेगा, तू सारा चेक करा ली, तू बांस है, फिर तेरी बाण ने ले आई तू, मन वह भी चेक करा ली, वह भी बांस है, या कमी थारा खून में है। रोला इस बात का है कि इस समस्या का समाधान मैं के करूं। तो शाना इतना दुखी क्यों हो रहा है, पर इसमें मारी के गलती है। अब एक बात बता, जब आपके बालक का दुख हो रहा है ना, तो आप अनाथ आश्रम तक गोद ले ले, वहां सारी दुनिया लेनती आई। तेरी बात ठीक से, और मैं मान भी लू, ग्रंथा की लिखोड़ी बात बताऊं, बाप ने बेटा आग दे है ना, जिद्दे मोक्ष मिला है। तू इस बात ने समझे को नहीं, किसे का खून मैं कुकर गोद ले लू रहा, मेरा दिल तो कोई मन है। शाना यो मन तो हमने समझाना पड़ेगा, अपने दुर को इलाज तो कोनी, चाहे इंदना ने रोक ना काट ले, चाहे आस का काट ले। मना ज्ञान ना बटे, मैंने एक लन छोड़ दे, तू जा खड़ी हो ले, खड़ी हो ले, तने सुनी को नहीं, मैंने एक लन छोड़ती जा। देखो जी एक बात तो है, हम दोनों बाण कट्ठी है तो अपना परिवार कितना खुश है, कदे लड़ाई नहीं होती, और अगर जब मेरी जगह कोई और होती तो रोज लड़ाई हो मैं घर में कति बूंदा क्यों हो गया। जो असली खुशी चाहिए थी वह तो कौन मिली, इसी की रेडी तेरी बाण होगी, इसी ये तू आ गई, जिस पेड़ का फल नहीं लग गया ना वो किमें काम का नहीं होता, फंस तो मैं गया।
तो जी भी इसमें हम क्या कर सके हैं अगर जब हमारा बालक ना होते नू तो ताने ना दो आप मने तेरी आवाज में तरस कोनी तू बोल ले है डाल है पवन ने जा कर ले आराम आ डॉक्टर बैठ जा क्या हाल है भाई पवन ठीक ठाक भी डॉक्टर है तय सुना के काम आ था भाई पवन काम में आ था मने बेरा तेरा बालक तो उन देखो नहीं तेरी समस्या का समाधान मेरे पास है के बात डॉक्टर को नई जड़ी बूटी ले आगे अगर दिन दे बालक हो जाएंगे हैं पवन इसी कोई जड़ी बूटी बनी तो कोनी जो बांझ का बालक पैदा कर दे लेकिन मेरी एक साड़ी है वह विधवा है कह तो तेरे के लिए उसका ब्याह करवा दूँ उसने बेचारी न परिवार मिल जाएगा और तेरी वंश बेल चाल जाएगी डॉक्टर देख ले बढ़ते रहा है जाके अगला तो बात कर ले मेरा घर ना तो मान ले लू को घने साल साल की मैस हो रही है ब्यांदी है कौन वो काम हो रहा है मेरे के लिए दो दो ली आया एक कई बालक कोने होंगे और मैं तो तेरा शुक्रगुजार हूँ ठीक सर हाँ भाई बात करके मैंने बता दिए आप चाल पढ़ांगे नागड़ा लेंडा जोड़ा चार आदमी जावांगे और माड़ा गाय ले आवेंगे अगले जाके बात कर ले ठीक है पवन भाई मैं जाऊँ और बता दूँ हाँ नूर नू तो माले करे है तू लेकिन ढिला चला मैंने कई बार देख लिया फिर बाबा उन्हें खुद का खून चाहिए था उन्हें तीसरा ब्याह कर लिया अरे नहीं वो तो तीसरा ब्याह करके राजी था लेकिन उन दोनों बाणा ने कर्ण को दिया उनने मिलके अरे खेल रचा देख ले रिया इस डॉक्टर की कीमत मारी जा रही है इन उल्टी पट्टी पढ़ान लग रहा क्योंकि भगवान ने ना अपने में कमी इतनी बड़ी कर रखी है तो आप कुछ कर भी ना सकते कर क्या था ना सकती ये तो ब्याह करण की कह है कि दरखास्त दे देंगे यो चूं भी ना करे कतिनू झुकया झुकया चालागा बेबे तू तो दरखास्त देन की कह है कवि ने एक बात कह रखी है वीर मर्द का बोल में बोल मिलता हो ना जब बे घर चाल्या करे तू तो कवे तो मैं खेल रचना चाहूँ पर उसमें तना मेरा साथ देना पड़ेगा बेबे तू तो साथ देन की कह है मैं तेरी माँ जाई बाण हूँ तू तो कवेगी ना मैं वो करूँगी तू तो बोल तो सुन जब भी वे आवे ना तो उन गान तेंगी साथ तो उल्टी गेलन का नाटक करन लाग जिए अच्छा मैं समझ गई पवन जी आ जाएंगे ना मैं इसी एक्टिंग करूँगी उसका ना 1% भी शक नहीं होगा अखियार नाटक कर रही है बस ना आग तू संभाल लिए तो चिंता ना करे अगला काम मेरा से जो तेरती कही है ना बस यही कर तू बेबे आप यो काम करना तो है फिर जब काल ना पवन जी ने बेरा लगेगा तो अपना केरा होगा तो काल की ना सोचे आज की सोच अरन्यू मान ले अपने खेत में सुना डांगर बड़न लग रहा है और वो लठ मार का अपने काटना है चल बेबे वो भी अन्न हो रहा है अपनी तैयारी करेंगे अच्छा आया के कौन आया है और यह शीढ़ी शीढ़ी बाल चाल है ना मेरा तो जाडा चढ़ रहा है इस आवान तू वोट भी लेगी और गोली दवाई लेकर ठीक हो जाएगी और जय वो उस विधवा ने घर ने ले आया ना आप दासी बन कर रह जावांगी और कल तो बड़ी बड़ी बात मारे थी न्यू एक्टिंग कर दूंगी लिकड़ गई फूक तेरी तू ना छो में पछा लियो आ लिया सरोजत है बस क्यों गया दिमाग तो आप में सह को नहीं आपने को नहीं बेरा क्यों हो रहा है इसके बेरा क्या को नहीं कि तो डॉक्टर आई बीमारी है और ना बाड़ा की डायरी है ओपरी है झाड़ा लगेगा ना इसके डॉक्टर की बीमारी और ना इसको ओपरी पर आई शाना बालक से इसके पेट में बालक रिया तना तो मेरे वाह खुशी दी है कद मैंने सुपनो भी कौन सोची थी अरे दुनिया कोई भी चीज मांग ले तेरे ऊपर तो जान भी निसावर है मतलब सब की मैं भी आई होगी मेरी कोई कदर को नहीं रहो इस घर में किसी बात करा है इस घर में इस पेट न लाने तू ही तो है या पाछ है तू पहले बेबे आप इन्हें पंगा रच तो दिया मनु बता दूसरे तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें बाला कुकर दिखेगा वहाँ मशीन टोट होगा मर जाएगी कुछ भी ना पावा उन्हें भोड़ी हो रही है कि यो कांड रिन्ना ने कराया है कच्चा थोड़ी होगा शाणा कदी और गंडा तो उड़ी दिवाली ने खुल जाया करे
मैं पवन का ही सागंडा बांधूंगी, जिंदगी भर नहीं खुलेगा। बेबे तेरी यह बात तो मान ली मैंने, फिर नू बता ये अल्ट्रासाउंड वाला पेंडा कुकर छुटागा। अल्ट्रासाउंड तीन तेन पहुँचन कौन देगा, उससे पहले मेरा चक्कर व्यू देख मैं के रचू। ठीक है बेबे, तेरी माया ने ना तू ही जाना, इवनू कर मेरा शर दुख है, एक गोली लिया दे और थोड़ी चाह पिया दे। हाँ ठीक से ले, ओढ़ ले ना और बांध ले लटोरा नहीं। रीना हाँ किस जा है? मैं वो काड़ू और कतलासी लेने जाऊँ। आप मैं तेरे खातर सूट ले आ था, रिया खातर शैल ले आ था, हैं ये लासी तो मैं ले आऊँगा। ना लासी तो मैं ले आऊँगी, और मेरे सूट की क्या जरूरत थी, ले रिया खातर तो जरूरत थी, जा डान लाग रहा है। तू लासी ले आओगी ना तो बड़ा अच्छा को लगता, और कोई बात को नहीं। आप ना बड़ी चिंता हो रही है, रोज मैं ना ले आया करती लासी। फिर के बात होगी माँ? हाँ बेटा ठीक से। राम राम माँ। राम राम बेटा। और बेटा ठीक सो? हाँ जमा ठीक सा जी, आज तो खूब दर्शन दिए। वो मन्ने ही फोन कर दिया था माँ दोरे। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात करी, अर लिया माँ ने चाह पानी पिया दे, हर माँ लासी ले आऊँ। लिया था आजा माँ। बेटी तुमने जो बेटे उतर झूठ बोली है ना, कर रिया के पेट में बालक से है तो गलत बात ही आ, पर नू क्या करे से ना कि जो लड़ाई होंदी हो तो अपना कान ही बोलिया करे है। माँ मैंने मेरा घर बचाने खातर जो ठीक लग गया ना वो मैंने कर दिया। बेटी रीना आज जो तेने अपना घर बचाने खातर यह झूठ की तिली लाई है ना, मैंने इस बात का डर है आगे जाके ये कितने बड़ी ज्वालामुखी ना बन जाए। चिंता करना तेरा स्वाभाविक से, क्योंकि तू माँ से होली का दहन में प्रहलाद जड़िया को नहीं था माँ, क्योंकि उस परमात्मा की मर्जी थी, और माँ मेरे दिल ने बेरा है, अक मैं दिल तक कुछ गलत ना कर रही, भक्ति सब के मैं उसको ऊपर छोड़ रखा मैंने, जो होगा वो भी देखी जागी। माँ मेरी तो कहीं मानता नहीं, और वो डर में हिरण नहीं अंडिया करे, मैं तो नू इसकी गले गले हो रही हूँ। अरे ठीक हो रही तू गले गले, दिक्कत क्या हो रही है? और माँ बेटी एक खिचड़ी पकड़ लग रही है कि मैं ना जी के खिचड़ी पकड़ी थी, कई दिन मिले हाँ तो बेटे बतलाऊ थे। अच्छा चलो ले, तो मैं चाह पानी पिया को नहीं, अपने दाऊ डाल बेरा है, माँरे का चाह पानी कौन पीवे, और आपकी सासू के मैं काम खातर आई है। और काम बताओ माँ जी। हाँ जी बताऊंगी, रीना ने मैं तो सारी बात बता रखी है कि अपने कई साल में खुशी आई है, और तुम बुरा नहीं मानो तो रिया का जापा मैं अपने घर करवाना चाहूँ हूँ, तुमने कोई दिक्कत तो ना है? यह बात कह के मैंने शर्मिंदा करो जी, इसका बालक को नहीं हो, हमने एक बार जोड़ी करके रिया मांगी थी, आपने पट दे ही ब्याह दी मारा, थार तो ज़्यादा विश्वास किस पर कर सकूँ मैं, अब गलत कही रीना। जोड़ी करके मांगी तमने थी हर ब्याही हमने थी, पर इब मारते ज़्यादा अब थारा है, जब तक तुम अनुमति नहीं दोगे मैं लेके नहीं जाऊँ इसने। आप अधिकार की बात करो के काल भी थारा अधिकार था और आज भी से, हम तो थारे बालक सा अथरा आशीर्वाद थी। ठीक से बेटा नू करो तो रियान तैयार कर दियो, वार होने लाग रही है बेटा। ठीक से माँ मैं कहूँ उसने करूँ तैयार, और दिक्कत भी केस है, आड़ तो सासू को ना और माँ ने दाऊ डाल ज्ञान है, उड़ा बढ़िया डाल जापा लिखड़ जाएगा। मन लगे यार आई भी तन्ने दी है न, माँ ने सुपना आओ था है तन्ने कही है ना। नू तो गणिया समझदार सा मार रीना, मैं करूँ तैयार। रिया ठीक से? हाँ बाबू। तो गई तो छोरिया था मिलन थी, अरे रिया न ले आई, के बात है ठीक ठाक तो सह? ना तो या बीमार ना कि मैं और दिक्कत, बात तो कि मैं और ऐसे ना या बात ना वा बात, या तीसरी बात लिखड़ के कौन सी आ गई? तीसरी बात या से रीना ने नू कह दी इसके पेट में बालक से, और मैंने इनकी हाँ में हाँ मिला दी, इब देखो आगे क्या होना है। राण तने के कर दिया, जब तेरे पर गिमा हो तो किसी बेटी का घर कौन बसे? बाबू डट जाओ एक बार,
पूरी बात सुने बिना नुमा के ऊपर ना चढ़ो। चुप, रुक जा बेटी तू। रांड, इनने तो गलती कर दी थी और तन्ने इनका साथ देके उसने ही बड़ी गलती करी है, क्योंकि जितना गुनाह करनिया सजा का हकदार हो ना उतना ही साथ देनिया हो है। बाबू, जिस परिस्थिति में हम दोनों बाण खड़ी है ना, मारा जी जाना है, थोड़ी उन्हें समझने की कोशिश करो। मेरी लाडो, इसी के मुसीबत पड़ गई थी, थमने बटे हो आगे इतनी बड़ी झूठ बोली कि मेरे पेट में बालक से। आपने बेरा है, हमारे दोनों बाणा का बालक को ना उत्ते पवन जी ने ना तीसरे ब्याह की तैयारी कर ली थी और हमने दोनों बाणा ने बस यो एक राह दिखा। बेटे, थमने करया तो यो गलत है, पर एकदम मैं बताऊंगा ना ठीक को नहीं, ठंडे दिमाग तक कोई फैसला लेंगे। चलो चाय पानी पी लिया। अच्छा, इब के फैसला लोगे तुम तो जाके उन तो सारी सच्चाई बता दोगे और वो तीसरा ब्याह कर लेगा, जिंदगी तो खराब अपनी छोरियां की होगी ना। तो रान, ये पोले फुकन से पहले तने सोचनी चाहिए थी। मैंने तो सोच ली, मैं बतान लाग नहीं तुमने उन तो आगे कि मैं बात नहीं बता दोगे, मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो क्यों मेरी पगड़ी पर दाग लगवाओ है, जब इस बात का बेरा पटेगा तो मैं कितने मुंह दिखाने जोगा कौन रहूंगा। आगे की आगे सोचेंगे के करना के नहीं, फिलहाल खातर अपना मुंह बंद रखियो, बस यही कहूं मैं। अजय बेटी, मन ने क्या ना बोलने दियो थे तामी। छैल गिल्या जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा, छैल गिल्या जाएंगी। के बात है, किस तक और किस जागी और कोई ना उठता तने। मन जाना भी क्यों है किते और, मेरी जिंदगी आप तो शुरू और आप पे खत्म। कसूती मिठी बोली रही, तने एक बात कबे रहा है, मैं तो हलवाई करया कदे भड़क उसके है। बोले हो रहे हो के हलवाई करया है, ये तो दूध बरकाऊ फाण होस है, होना हो तो रात न हो जा ना तो 15 दिन और टप जा। मैं भी इतना मुँह रखो नहीं, मन नहीं बे रहा है, हलवाई नू तो कह के आ हूँ, कदे भी उसके है, आधी सोटन करना है, धूम धड़ाकत है। दुसोटन करना है आपने न्यू के बेरा, अच्छोर आए होगा, छोरी भी तो उसका है। तमना नू पूछ, मने बेरा क्या आगो नहीं, या तो भगवान ने मट्टी बनाई ने, जिदा कान सारा शरीर गढ़ के तैयार कर दिया, लेकिन छिछोरा हो और छिछोरी हो दिसोटन तो हूं करना है। सै ठाणा, मन नहीं बेरा इस बात का, भगवान ने अपनी बहुत दिन में सुनी है, पर आप अपनी खुशी का नू ढिंडोरा पिटन लग रहे हो ना गाम राम में, लोग आके आए पट जाया करें, मन ने बहुत डर लग गया है, एक बार बालक नो जान दो फिर धूमधाम तो दुसोटन करांगे। हाँ तो सोटन करांगे, फिर तो इतनी डरन क्यों लग रही है, मरना जीना तो मालिक का हाथ में है, और कोई बात को नहीं, जिस तरह तू कहेगी ना उस तरह मैं करूँगा। तूनू कहेगी ना अकाड़े खड़े हो जा तो आड़े खड़े पाऊँगा, हनू कहेगी आड़े बैठ जा तो आड़े बैठे पाऊँगा। अरे तेरे तो बड़ गए के है मेरे तरह, सारी जिंदगी तेरे पर शुरू तेरे पर खत्म, मन दिखा है के है बाहड़ी, घनी टेंशन ना लिया करे। फिर बाबा झूठ कह के पाँव है और नौ महीने पाछा बेरा पट्टा होगा, उनका तो खूब बड़ी दंग बच जा होगा। तू भी संदीप, जब मैं बालक की ढाल चंचल मन ले रहा है, दो डंग आगा बाजी जा है, जी मैं बताने लग रहा आराम तो बैठ के सुन ले। आ तो रात में सपना बहुत जोर का आया। की आया? मतलब डीजे बाजन ला रहा अपने घर में, और गम माए गम हो रही है, कितने टुणिया कूदन ला रहा बासड़ी सानू, कितने राजेंद्र नू बूटी दिखाने ला रहा है, और सारा घर नू बिच फुल भरिया रहे, आज नू अपना बालक हो लिया। मैं तो ऊपर वाले तो यही प्रार्थना करूँ आपका सपना साचा हो जाए। की बात है, ये तो नम्मा भी ना लग रहा है। मैं भी तो यही बात कहूँ। तेरी शक्सा ही बिगी में ना तो हाँ माँ, बैठ जाओ। खेनू चौकन लग रही है, मैं तो खुशखबरी देने आई हूँ। बेटा, भगवान ने थारी सुतरी सुन ली, रिया का छोरा होया है, पर एक का नहीं दुख से एक का नहीं सुख। जब छोरा हो लिया तो दुख किस नाम का, अब कहने के लाग रहे हो, मैं समझा को नहीं। बेटा, तम छाती करडी कर लियो, जो मैं कहना चाहूँ उसने सुन की हिम्मत राखियो, छोरा तो हो लिया, मैंने उसका पतड़ा दिखाया था, वो नू बोले कि जब तक
छोरा 18 साल का नहीं हो जाए तो हम उसका मुंह नहीं देख सकते। बस जी, इतनी सी बात और थम इतने परेशान, तुम नू बताओ जी मेरा बालक नहीं था तो कि मेरा सबर कौन था? ये तो भगवान ने दे दिया, जो थम पेड़ हो मान के चलो थम मेरे मतलब माँ बाप सो अच्छे संस्कार दोगे उड़ पड़ेगा, इस तफल तुम मैंने कह चाहिए और थम इतनी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो आन की टा कर दूंगा, मेरी चिता ने ब्याग देनिया हो गया, मैं कितने के लिखड़ूंगा नू कहेंगे यो जा है फलाने का बाबू। सुना है कि इतना दुखी क्यों हो रहा है? खुशी का मौका है बावड़े, ये दुख भरी बात ना करे। ये खुशी के आंसू हैं जो भीतर हैं बाहर को नहीं आंदे। शाना, मैं समझूं तेरे दर्द ने, तू भी नो सोचता होगा अगे संदर बाग बाप में इतने साल में तो भगवान ने सुनी थी, सुथरी औलाद दी थी और उसे न तू गोद में खिला ना सकता, पर नू माड़ा मन ना करे। गलत तो ना कर दिया ना मैंने? दिन रात आँख खोल के औलाद के सपने देखे हैं ना, त्राण तो पहले मेरा है बहुत खुश था, अब मेरे बालक होगा मैं 900 टन करूँगा, काम ना इकट्ठा करूँगा, रापा नहीं हूँ बाप निर्भाग बना दिया, जबकि अपने रिया का कोई बालक होया है को नहीं। बेटी जब उखड़ में सिर दे दिया तो चोट तो नहीं डरिया कर दे, हर मुँह तो जबान दे दी तो फिर या नहीं कर दे। जिब संतोष ने कह दी कि रिया का बालक हो लिया तो रिया का बच्चा हो लिया, और मेरी बात सुन भूल के भी इनका आगे यो जिक्रा ना कर दिए कि हमने या साजिश रची थी कोई। बाबू। हाँ भाई। चाय बना के लिया दूँ? ये चाय तो बना लिए, नू बता तेरी माँ किस जा रही है? जिसका डर था ना वो ही हो गया, मेरी माँ तो ना मेरे सांसरे जारी है, जो चीज नहीं हुई ना उस चीज की खुशखबरी दें। बिना हुई चीज की मतलब? बाबू आपने बेरा है, मेरे पेट में बालक तो था को नहीं, फिर होगा कुकर, और मेरी माँ ना पवन जी दौरा जारी है, नू कहन अक तम एक बेटे के बाप बन लिए। बेटी जिस दिन हमने शुरू वाला दिन झूठ बोली थी ना उसे दिन थार माँ बेटी हथे पेड़े मार दा मैं उड़ा ले जाऊ, आज और कहानी को नहीं होनी थी। के बात क्यों छो में हो रहे हो, के कहानी होगी मन्ने भी बताओगा कोई? अबे उदी इस कांड की लेखक तू है, ये नौ बिन्ने तो लिकड़ गए, इमरा मुंह तो फूक दे आगे के कह गई है। पहला तो ये आवाज नीची करके बात करो मेरे ते, ये छोरी मैं गेल तक उन लेके आ रही तारी भी होंगी ये, अरे इन्हें खतर मरन लाग रही सू, अरे अगली बात सुन, जब तक ये झूठ मूठ का छोरा 18 साल का नहीं हो जाए है पवन जी तारे देली नीचे डेंगी। बे उदी रांड जोर तो ही बोल रहा है, लुगाई का काम चूल्हा चौकी का हो है, और तू तुम्हारा काम न छोड़ के दूसरा काम मैं पूछगी, 18 साल भी लिकड़ जाएंगे फिर देखूंगा के जवाब देगी तू। कोई बात नहीं आगे के आगे देखेंगे, एक बार ये 18 साल तो पूरे होने दो, इबे हो सके नू कर करके तो नौ बिन्ने तो काट दिए। कोई बात नहीं काट दिए ना काट दिए मन्ने पूछो कुकर कटे सही। बात सुन ले मेरी, एक झूठ बोलने खातर 100 झूठ बोलनी पड़े हैं। ठीक से मेरी बेटियां खातर 100 झूठ नहीं मैं तो 1000 झूठ बोल सकूं हूं, और इस झूठ की शुरुआत मन्ने नहीं तेरे छोले ने करी थी, और मन्ने तो सिर्फ इनकी भलाई खातर इनका साथ दिया था, और फिर भी तमने मैं गलत लागू हूं तो चलो मेरे गेली सारी सच्चाई बता दी उनता, पर यह सोच लियो तारी इज्जत का के बनेगा, इन दोनों छोरियों ने कुकर छाती पर बिठा के रखोगे। अरे सियाणा नू बताओ मने 18 साल थोड़े ना होते, नू क्या कर रहे हैं वक्त बड़े तो बड़ा जख्म भर दिया कर रहा है, अपन भी देखांगे के बननी है। ठीक से मेरे पास के चारा है, आगे कुआ पीछे खाई पल्ला पड़गी निर्भाग लुगाई मैं कर भी के सकूं। ठीक से सियाणा मैं तो निर्भाग सुना क्यों तारे ब्याह ही आ गई, बैठ जाओ। सियाणा
नौदास ना बैठे, तेरे मन का दुख मैं समझ सकूँ। मन बेरा है तेरा भी तरला भी पट पट कर आता होगा। देख औलाद भी होगी और मैं उसका मुंह भी ना देख सकता। कोई बात को ना 18 साल बाद देखियो आप उसका मुंह। तेरे हर के दिमाग में चल रही है, तू पागल है गे? मन इतना कमजोर समझ रही है 18 साल के? जी 25 साल हो। अरे तो मेरी उम्मीद तो होगी भी मेरा छोरा से है, मैं क्यों नर्वस होऊंगा रे? आपका नाना नानी के पढ़ेगा लिखेगा, बता क्या दिक्कत से? मन बेरा है, मेरा मन रखने खातर ये बात कहने लग रहे हो आप। अरे कितने ना कितने गलती मेरी ये से, पर मैं मजबूर हूँ, कुछ कह भी ना सकती। किसी बात कर रहे ना, अपने आप ने क्यों कसूरवार समझा तू? तेरे बालक को नहीं होते, तेतरी बेबन मेरे लिए आई, उसके बालक भी हो गए और फिर भी अपने आप ने तो कसूरवार मान रही है ना? यही बात से? यही बात से जो तने फैसला लिया ने रियाती उड़े भेजन का, यो सही फैसला था। तेन पता सनी जाड़ बालक होर और मैं उसने देख लियो रे, तो के मेरा के अनहोनी हो जा। एक राजा था और उसका गुट्ठा कट गया, उसने मंत्री थी बुला के, मेरा मंत्री मेरा गुट्ठा कट गया देखिए। वो मेरा के बोलिया, महाराज जो होया ना वो अच्छे खातर होया, इतनी बात सुन दी वो जेल में घेर दिया। फिर थोड़े दिन पाछे राजा जंगल में चला गया शिकार खेलन और बिल्ला का फंस गया। वो काली माई का है ना उसकी बलि देने लग गए और उसका गुट्ठा देखा ना उसने, बोले इसका शरीर पूरा कोनी और वो छोड़ दिया। जी उस राजा का दिमाग में आई और वो मंत्री ठीक कह था, जो होया ना वो अच्छा होया है। यह बात मैं तन्ने समझाऊँ, जो लग रहा है ना वो अच्छा ही है, कुदरत की मर्जी है, तू टेंशन ना ले। ठीक से शाना मैं समझू तेरी बात, अनुदास ना बैठा रहे, खड़ा हो चल रोटी खावांगे। तेरे भी है ना, जब मैं जोड़ लोहे भर रहे तू मन हो गया रे। चल कोने रोटी, चल रोटी दोनों खावा इकट्ठे, मैं एक ला खाऊंगा। बाबा मैंने पूछी के थी और तू बताओ के है, या तो वह कहानी कोनी ना लो दो लग गया वो छोरा तो नुकरदा हंड है, हायरे मेरी नागन है, हायरे मेरी नागन है, और तू छोरे जमवान हंड है। अरे संदीप जो तेरा मन में ये है ना प्रश्न रूपी समुद्री जाल उठन लाग रही, न थोड़ी देर शांत कर, कहानी वाह चाल रही है। जिस तरह 9 महीने निकड़े ना नुए करते करते 18 साल निकड़ गए, और फिर पवन ने सोची अकीब तो छोरा और बहू घर की दहलीज पे कट्ठे पाटे कह, और मने मन में वो घना राजी हो गया। हिना हिना रे एक बात बहुत ढीले चल रहा है भाई, मनु की थी तैयार होले होली तैयार, मन ने कौन सी टूम पैरनी से, और सुथरी तो मेरी मान जामी ये थी अन्यू ना बतानता जाना कित से। सैनी तुम हथम कटवाऊंगा चल लेगी, तने विश्वास को नहीं के मचे कितने लेके जाऊं। इस मानस की इतनी उम्र होली पर मजाक करने की आदत नहीं गई। रनु का आग रहे हंस दे कर बस दे, हंसो हमने हर रो आपके घर के ने, मैं को नहीं कंधा मेरा दादा का आगरदा, और तू मेरे सेती चाल सरप्राइज से ले चाल कित ले के चल लगा कितने को ले जाऊँ तने तू मुडर ही चल आगा हो ले पिपर है। ओ पिपो फोन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक सुना बस बढ़िया है। आ जा राम राम जी। राम राम जी आ जाओ चल किच्छा छाल नहीं बनवाता अंडा है तू, यो ही सरप्राइज था कितरा बेहतर ने ब्याह होगी मारेगी हाँ ना ये पड़ेगा इबली आया था। अरे पवन के बात भाभी दबड़काओ के कौन दबड़काओ है ये तो नाता बदलूंगा तेरा लंगवा डर है। बैठो जी। अरे बैठ जा तू भी। ओ ठीक से भाई पवन ठीक से। इसका नाम तो है लाडम पीपा और असली नाम इसका विकास है, अरे बन गया अपना समधी। यो था वो तेरा सरप्राइज़।
समझी? हाँ, क्योंकि इसने मेरा दुख दर्द समझिया है। जो 18 साल के वनवास काटा है, इस तम मिलिया था यू नुभ लिया, अकबूरा नहीं मानना है, तो मैं भी तेरती कुछ अपनी खुशी देना चाहूं। रटे यार पवन, रटने की बात को नहीं, यह जीवन साथी है, इसकी सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि कोई बात छुपाई जाना है वाची को नहीं दी। यह बात तो ठीक है भाई। यूनु बोलिया, खुशी का मतलब मेरे दर एक मेरी छोरी है, उसने मैं सबकी मानू हूँ, आथा पाली है, और वह मैं तन्ने देना चाहूँ भाई। आ तेरे बालक हो रहा जो छोरा 18 साल का, तेरे ससुराल पड़ा है, उसका ब्याह देंगे और एक पंथ दो काज हो जाएंगे, तेरा छोरा भी आ जाएगा और गेली बहू आ जाएगी भाई, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो तेन बता, इस बात तक खुश है कोनी? हाँ खुश हूँ। फिर तेन क्यों अटके है, कमाल की बात है भाई। एक काम कर, मैंने भी रहा है लुगाई जगह बहम होया करे, एक बार तो गुड़िया ने बोल दी। बेटा रेनू आइए एक बार। इतनी क्यों टेंशन ले रही है, छोरी सुतरी पाओगी? या हजी छोरी देख लो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। दाव देख लो जी, बचपन में इसकी माँ मर गई थी, हाथम पाड़ी है। हाथ फिर गिर देखा है क्या बात है, या के मोम की गुड़िया है बोलन लग रही रे। चोरी तो सुथरी से। फिर तू इतनी डर क्यों रही है, नुए कापन लग रही, इसने आपा अपने छोरे की बहू बन की तैयारी से है। आदाऊ पूछ, लेकिन पूछना हो पाचा फिर नानू का सासू के बहू के गण मिलाने जरूरी हो, और पत्रा देखने जरूरत है कौन ही, पूछ ले। के पूछा पाची लाग रही है, आपने देख ली और आपके दोस्त की बेटी से तो ठीक है पाओगी। पवन है मना लागा, इनका छोरी पसंद को नहीं आई। किसी बात करे है विकास है, चांद जैसी गुड़िया रही पसंद भी नहीं आओगी, अरे इतने संस्कार रहे, यो तो मैं इसने बिना बताए ले आया। ज्यादा टेंशन मोरी है और कि मैं बात को नहीं। और भाई मेरी तरफ तो रिश्ता पसंद है, और कहना हो तो मैं तो देख जा को नहीं, इसने गेली भेज दूंगा। एक बार छोरा नहीं गा मत कह देगी, क्योंकि मैं निर्भाग हूँ भाई। छोटा दिल ना करा पवन भाई, छोरा तेरा है यार, संस्कार ही पाओगा, के देखना लग गया है। तब बता दिए जिस दिन का भी ब्याह टेकेगा ना, उस दिन मैं रेडी हूँ भाई। इसने कहा अगर दोस्ती माँ का बाण का भाई का पत्नी का सारे रिश्ते भगवान दे है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता आपा चुना जो यो मैंने चुनिया। इसने कहा अगर इसकी सोच देख देख हमने भी नाटा है ठीक से, तो सुतरा दिन देख के ना और आप ब्याह कर लेंगे। ठीक से भाई पवन, आज तो अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। ठीक से तो भाई, ठीक से भाई, चल आज मैं छोड़े हूँ बेटा है, तू कर ले काम। तो क्यों हो गया यार, क्यों तुम बामू कर रही है? तो नहीं वो ठीक को ना करया, और मैं इस रिश्ते से खुश को ना। सैनी जब तक खुश नहीं है तो मैं टाल कर दूंगा, और बोल के चाहो तुम। वाह बात को ना, पर एक बार आपने सोचना तो चाहिए था, 18 साल तक मेरे माँ बाप ने पाल पोस का वो ओढ़ जोड़ करा, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे, उनने भी तो कुछ सोची होगी उसके बारे में। कल न मेरे माँ बाप ने बेरा पाटेगा अकबटे उन्हें रिश्ता ले लिया, और हमारी पूछ भी को ना करी तो उनके दिल पर के बीतेगी, सोची था ना। सैनी गलती मानू, मैंने ध्यान नहीं कौन कराया,
तू तेरे माँ बाप दौर चली जा और बात कर ले, जब वो नाटेंगे ना तो कौन नहीं करूँ मैं शादी। नाटे तो क्या खतर थे, पर पूछने का तो अपना फर्ज था ना। था मैं कि नाटू हूँ। आपा पर गलती हुई है, आपा ने मानने भी चाहिए वह गलती। फिर मैं जाया हूँ और सारी बात उनका आगे खोल कर दर दूंगी। सैनी तू चली जा, जब मैं जाऊंगा तेरा और जी जड़ेगा और मेरे पर नजर भी कौन मिलाई जा। ये मुंह तो शब्द बोल दिया ने, मुँह उल्टा कौन लिगड़े। वो मेरा दोस्त से और मैं रिश्ता पक्का कराया, मैं उससे भी कौन नाट सकता। मैं सारी समझा दूंगी, समस्या का समाधान करके आइए। ठीक से, ठीक से, छोटा मन ना करे, मैं उन्हें तसल्ली से समझा दूंगी। ठीक से, तो जाया हूँ फिर मैं, तू तैयारी कर ले। ठीक से। हे भाई, किधर जा रहे हैं? रीना क्यों क्यों था? हे माँ। पागल, तू रोने लाग रही है, बात के है वो तो बता। ये बताओ माँ, तेरे जमाई ने मेरे बेटे का रिश्ता ले लिया। रिश्ता ले लिया? किसका रिश्ता, किसका बेटा? के पागल सी बात करने लग रही तू? हाँ माँ, पागले होगी मैं तो, जो खेल मन ने खेला था ना उसका मैं फंस कर रहेगी माँ। तारे जमाई ने बहु देख ली अपने छोरे खातर, बहुत बड़े सपने सजा रहा है माँ वो। अक इस देली पे उसका बेटा और बहु कट्ठे कदम धरेंगे, क्यों करोगा माइसा? बाबू कि मैं तो रहा बता। बेटी मैंने शुरू वाला दिन कही थी इसने, इसने मेरी बात कौन मानी और सब ने मेरा इस बात का झूठ का पाँ को नहीं होंदे। तू क्यों रो है बेटी, मैं तेरा बाप सू, मेरे तो पूछ के देख, मेरा भी तरला थर थर का पा है कि मेरा कितने तूफान उठ रहे हैं। आए मेरा बेटा होंदा ना तो मेरा दोस्त वर्गा होंदा और मेरे पास सौ सलाह लेंदा, और तन्ने के करया, तन्ने यो खेल खेलिया, तन्ने तेरी माँ की सलाह ली। आए तने मेरे पर पूछना जरूरी कौन समझा, जमा एक और न कर दिया मैं तने, और आज तूनू पूछा है बाबू मन राह बता। यो ये सवाल मैं तेरे तो पूछू हूँ, तू मन न राह बता, मेरी पगड़ी का दाग लग गया इसका के? तने तो वो एक काम कर दिया जिस डाल बैठी वो एक काट दिया। ये पति पत्नी का मतलब भी समझा है, जब उसने इस बात का बेरा पटेगा उसके दिल पर के बीतेगी? बाबू मेरे पर बहुत बड़ी गलती होगी, मैं स्वार्थ में बह गई थी बाबू, मैंने बहुत बार कोशिश करी अकमा उसका आगे सच्चाई बता दूं, पर बाबू हिम्मत को नहीं हुई, हिम्मत को नहीं हुई बाबू। मैं के करूं बाबू, मैं बीच बिचाड़े फंस गई, कोई तो राह बताओ मैंने, मैं किच्चा हुई बेटा। बेटी नू ना टूटे तू ना बाबू, सब के में खत्म होता दिख है मैंने, सब के में उजड़ता दिख है बाबू। बाबू मैं के करू, मैं के करू पहले तू चुप हो। बाबा तने के सुना दिया, कसुता स्वाद सा बैठ रहा है, रोटी खाने जिए को नहीं करता। पवन की बहन तो एक झूठ बोली थी, उन्हें पूरा कुनबा में बवाल खड़ा हो गया। पर तुमने एक बात बता बाबा, पवन उन छोरी का रिश्ता लिया था, उसका ब्याह किसका के लिया है बाबा? र संदीप नुका अगर दिन दरोड़ा तो आवगा, पवन के ससुराड़िया में बछीड़ पड़ रही थी, अब के करा इब के करा, अनुमान तो मरण बाज है और सारा कुनबा उसका गेल गेल, मैं नुकू हूँ लबड़ धक्का पड़ रहा था कसुत्ता। बाबू ऐसा ना करे बाबू, तेरी बेटी की गलती थी, तू तो क्यों कुएं में पड़ा है, मैं मर जाऊँ ना सारी राड खत्म हो जाएगी। और के करू रीना, मैं इतनी बड़ी बुराई लेके मैं कौन जी सकता, कल सारा काम तू तू करेगा, इतना बड़ा दिल कौन तेरा बाप का, मन मर लेने दे। बाबू यो तेरा आखिरी फैसला सह के, बस न्यू न्यू बता दे मने, अरे मरना किसी समस्या का समाधान ना होता बाबू, अरे फिर भी तू कह मैं मरूंगा तो तू एक लाख नहीं मरे, हम सारे गेले मरांगे। चेना रीना ठीक कह लग रही से,
गलती हमने करी और भुगतो तम अकेले ना, अगर जो मरना ही है तो सारे गली मरांगे। यो सारा परिवार क्यों रोन लाग रहा है, के विपता आ गई सी? मैं के कोई अंतर्यामी हूँ, तेरा नागे तो हूँ, जो दृश्य तेरी आंख देखने लाग रही है वही मेरी आंख देखने लाग रही है, होनी अनहोनी तो ऊपर ला जाने। ए भगवान, यो दुख मेरे पर पड़ा ना, किसे ती ना दिए, और इसी निर्भाग बेटी वो भी किसे ती ना दिए, और या धर्म पत्नी इस वर्गी तो किसे ने ना दिए, और यो दुख मेरे पर पड़ा ना और किसे पड़ गया ना, ए भगवान यो संसार तहस नहस हो जाएगा। सुनो होके, आप इन्हें एक बार चाल का पूछना चाहिए के बात होगी, अगर आप ही नहीं पूछांगे तो आप ही विपाप के भागीदार हो जाओगे। हाँ, या तो तू बिल्कुल सही कहे, भगवान शिव ने जो अपने शक्ति दे रखी है आप ही उसका कितने भलाई का काम में प्रयोग करांगे तो शायद वे प्रसन्न हो। हाँ, या ही तो मैं कहूँ हूँ, जब आप ही ने भी ये नहीं बचाए तो भोला बाबा अपना तो रूस जाएगा। चलो देर ना करो। रुको, के करण लाग रहे हो थम्यो? थमने नू बेरा है, भगवान के खजाने में सब तक कीमती चीज के थी मनुष्य जुन्नी, जो थार ते मिल रही है और थमने उसकी कदर एक होनी पूरा एक उनवा मरण सालो हो, एक बार बात के होगी वो बताने का कष्ट करोगे? हम के बतावा, अपने मुँह तो अपनी बुराई मार दो रही, और कोई रास्ता को नहीं, और तुम बीच में ना आओ, हम ना मर लेने दो। के कही, अगर हम मर्दिया ने देख ही सकते तो थर आगे क्यों आते? बेटी गुस्सा मनाओ, तुम जो भी हो हमने बेरा हमारा भला में हो, और इसने अपने पति ती बहुत बड़ी झूठ बोल रखी है। झूठ वाली तो कोई बड़ी बात को नहीं, सारी बात सच बता दो और माफी मांग लो, हो गया समस्या का समाधान, पर इस एक छोटी सी चीज के कारण सारा कुणबा मरण जाओ हो, बात अजम को नहीं हुई। थारे इस परिवार की परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा गहरा राज है, और वो था मारते बताना कौन चांदे? के बताऊं आप ते, पर न्यू कहया करें, मर्तियाना मानस ने सच बोलना चाहिए, हम दोनों बाण सा और मारे एक पति से और दोनों बांझ सा, बालक को नहीं पैदा होया और अपने पति आगे मैंने झूठ बोली, अक मेरी बेबे पेट ते से और वो 18 साल थी, औलाद का मुंह नहीं देख सकता, 18 साल भी पूरे हो गए, और तो और मेरे पति ने मेरे बेटे का जिसने जन्म में को नहीं लिया उसका रिश्ता पक्का कर दिया, इमनू बताओ के जवाब देवा उनती, आज फंस का खड़े हो गए खेले और खेल मम। एक बात बताओ, थमने 18 साल का छोरा है तो चाहिए, अगर इस समस्या का समाधान हम कर दिया तो क्या थारी जान बच सके है? हाँ, लेकिन उस छोरे ने उस छोरी के लिए ब्याह भी करना पड़ेगा जो मेरे पति ने देख रखी है। शादी? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इनका लड़का बनके उस छोरी तय ब्याह रच सकूं के। किसी बात करो हो जी, या बात बोल कर मैंने शर्मिंदा ना करो, हर पत्नी का फर्ज जो है अगर उसका पति अच्छा काम कर रहा है तो उसका साथ देना, पर मैंने एक वचन दो, जब आपका यो काम पूरा हो जा तो लौट के आप मेरे दौरे वापिस आओगे, क्योंकि मैं आप तक बेपना प्यार करूँ। ठीक है, मेरा आप तक वादा है, मैं लौट के जरूर आऊँगा। तो ठीक है, मैं आपका लड़का बन के आपके साथ चलूँगा, और वादा करूँ हूँ जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाए मैं आपका घरे रहूँगा, लेकिन आप तक एक बात कहूँ हूँ और उसका विशेष ध्यान रखियो, इस बात का राज्य रहना चाहिए, किसी ने नूनी बेरा पाटना चाहिए, मैं आपका असली लड़का को नहीं और मैं के हूँ के नहीं। बेटा यो वादा रहोगा तेरे ते, यो राज राज्य रहोगा और मारे खातर तो तू भगवान बनकर आया से। चल बेटा चल माँ। इंतजार करियो, मैं लौट के जरूर आऊंगा। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। रिश्तेदार ते तो यह उम्मीद कौन थी, मारे घर में मौत हो रही थी फिर भी तन्नु कही ब्याह कर दे, मैं बोला ब्याहनी पारक में कर दूंगा, अरे भी तेरा कुनबा आया को नहीं है, या कोई अच्छी बात से? अरे तो मैं के बताऊँ, मेरे ससुराड़ी आए को नहीं और मन ने भी चिंता है,
और सही पूछन या सोच हो रही है कि ना नोनी ना हो जा कि मैं निर्भागा हूँ और बालक हों दिए मैं अपने बच्चे का मुँह नहीं देख सकया और आज ब्याह का दिन मेरे ससुराड़िए मेरे छोरन लेके पूछ कौन सके यो दिल डरा है। सुनो जी इतना दिल कमजोर ना करो, मैं तो मजाक करूँ था, आ जाएंगे वे। रिन्ना आपका बेटा जी भर के देख ले। डिंपल यो मेरा छोरा और मन ने भी कौन देखा था और तन ने भी कौन देखा था, एक बार देख ले भाई। मैंने तेरे पहले बताई थी तेरा बरगाए पाओगा, इसमें देखना ना देखना की कौन सी बात आ गई भाई। मूर्त लिकड़िया जा है अरे माला पकड़ा अपने गुड़िया ने। ले बेटा तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं। बेटा तेरे सासु ससुर आशीर्वाद ले ले मेरे हाथ में। बस बेटा बूढ़ सुहागन रहो तारी जोड़ी बनाई रख और एक बाप कहे ना दिमाग में एक के बात हो है केन की शादी का कारण एक पुत्र हो जो मेरी बंश बेल नाग चलाओ और चलो चल ईव तो राजी होगा ना शाना खूब इसी पत्नी जिसने मिल जा वो राजीव को नहीं हो रहा चलो। ठीक ठाक हो जी। एक बात कहूं, मैंने कभी सपना में भी कुछ सोची थी कि मैंने आप जिसे पति की प्राप्ति होगी जिसमें सूर्य जैसा तेज और चंद्रमा जैसी चांदनी होगी। ऐसा कुछ कौन जी, सब परमात्मा की देन है, जो है उसका है। और बताओ जी अपना बारे में। और तो क्या बताना है, मैं इस मानस दुनिया में कौन ही। मतलब हाँ मेरी बात आपने थोड़ी ही अजीब सी लगेगी लेकिन थोड़ा मन ने शांत रखियो, जो झूठ बोलना उन्हें ये इंसान ना के बस का है। मैं जड़ता रहा हूँ बड़े झूठ नाम की कोई चीज कौन ही, और मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनियो। आपकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक नाग से हुई है। हाँ मैं सही कहने लग रहा हूं क्योंकि मैं और मेरी नागिन हम दोनों एक बार जंगल में थे तो उस टाइम हमने देखा कुएं के ऊपर ये जो मेरा परिवार बन रहा है ये सारे के सारे मरण जाओ थे, पर हमने इन ती बचाया और जब पूछा ने की समस्या है फिर इन सारी दास्ता बताई किस तरह पवन का वंश कौन था और इन दोनों बाणा ने मिल के सिर्फ यह सोच के अब कोई तीसरी आके मारा नेग नहीं बिगाड़ दे हमने तंग नहीं कर दे, यह सोच के इन सारा खेल रचा। पवन तो सारी झूठ गई, 18 साल तक पवन का यो बहम था अक मैं एक लड़के का बाप हूँ जो कि सरासर झूठ था, लेकिन उस टाइम जो हमने फैसला लिया आपके साथ शादी करने का और यो फैसला मन ने मेरी अर्धांगिनी तक पूछ के ही लिया था, वह भी इस चीज़ में राजी थी क्योंकि उस नक्षत्र यह मेरा है किसी इंसान का जीवन कितना महत्वपूर्ण हो है या जुन्ने कितनी कठिनता मिला है, मारा तो जीवन कोई जीवन है कोनी। देखो जी जो आप कहने लग रहे हो ना मेरे समझ से बाहर है, और आपने ऐसा क्यों करा मेरे गिरले मेरा आगे भविष्य क्या होगा।
जड़ तक मैं अनुमान लगा सकूं आपका भविष्य अंधेरे में है, लेकिन इतना ज्यादा भी कोनी, अगर आप इस पूरे परिवार में संभाल कर रख पाओगे ना तो वो भगवान आपने अपरंपार खुशियां देगा। मानू मैं लुगाई के साथ लोग का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इंसानियत बहुत ऊपर है और मन नहीं चला गया है, आप ये फर्ज बखूबी निभाओगे, पूरे परिवार में बांध के राखी हो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ और मैं ही चल लूँ। कित जाओगे आप? जिस तरह आपका मन में मेरे खातर जो रचनाएं उठने लग रही हैं, नुए मेरे भी तो नागन है जो मेरा बेसब्री से इंतजार करती होगी। मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ उसके पास जाने में, इतनी देर तक तो आज तक ना बिछड़ पाया उस समय। देखो जी, आपने मेरे ती जो सच्चाई बता के जो समझदारी वाली बात करी है उससे मैं आपने रोक तो कौन सकती, लेकिन मन ने भी उस त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की आराधना करके आपकी प्राप्ति करी है, और आपने 21 दिन तक मेरा गैल पति वाला फर्ज निभाना पड़ेगा, और आपने मेरा गैल रहना पड़ेगा, और आप मेरे तक वचन दो कि इन 21 दिनों तक आप किसी भी दूसरी लुगाई के बारे में सोचोगे भी नहीं, चाहे वो आपके नागिन क्यों ना हो। एक वचन मैं पहले भी करके आ रहा हूँ, जब तक इस परिवार की समस्या का समाधान नहीं हो जा इतना मौरे रहूँगा, और अगर 21 दिन तक आपके पास रहने का आपने यो परिणाम दोगे, अगर सारी उम्र इस पूरे परिवार में खुश रखोगे तो मैं आपने वचन दूँ 21 दिन तक आप तलग किसी भी स्त्री के बारे में कौन सोचूँ, लेकिन आपका हाथ जुड़ कितनी प्रार्थना है, जब मैं चला जाऊँ तो इस पूरे परिवार का ध्यान रखी। कौन? आंख तो खोल के देखो। आंख खोलने की जरूरत तो कौन है, मन ना तो मेरी पत्नी के ख्याल आ रहे हैं। हाँ तो आंख तो खोलो, ख्याल तो बाहर तो निकलो, पत्नी तो सामने आ रही है। आप कौन? कौन? मैं आपकी पत्नी। आप थोड़ा दूर बैठो, देख लेगी तो नाराज हो जाएगी। कौन हो? के बात, नागिन मैं आपकी। कौन नागन? मेरी तो कोई नागन हो नहीं, और ना मैं आपने जानता। देखो मजाक किया दो है, आपने नू कही थी शादी करवानी है, बस शादी होली अब आप मेरे साथ चलो सरपियोनी में। की डाल पकड़ो आप है? आपको फायदा खातर को हूँ, जितना जल्दी हो उसके उर तली कर जाओ, ऐसा नहीं हो मेरे हाथ तो कुछ अंदर तो जा। अजीब दुनिया यार, धक्के चिपन लाग रहे हैं, जाओ। मजाक मत करो। मजाक कोनी, ईशान हो मेरा हाथ उठ जा, खड़े हो जल्दी, इन आंखा दूर हो जाओ। रेनू, वो मैं प्लाट में था तो के तो मेरी नागन आई थी, लेकिन आपने कुछ वादा करया था मेरे ते। हाँ, मैं मेरे वादे पर खरा उतरया हूँ, मैं नवा पहचानते भी इनकार कर दी, लेकिन तू अपना ध्यान रखिए, वादा वो खुद भी निभाइए, और सुन 21 दिन ते एक मिनट भी फालतू नहीं रह पाऊंगा मैं तेरे दौरे, मैं सिर्फ प्रण में बंध रहा हूँ, इस कारण ते तेरे दौरे खड़ा हूँ। बाई करके खा ले ले के दे दे उसते कौन जबर हो से नुगरा मानस आंख बदल जा समझदार की मरे हो से हाँ नुगरा मानस आंख बदल जा हो सम जे मैं इस कन्या ने मार दूं ना इसमें इस बेचारी का के कसूर बेवफा तो मेरा नाग निकलया
जो मैंने पहचानन ते भी इनकार कर गया। इस तो अच्छा तुम अपनी जान नहीं दे दो। इजाजत तो तेरी थी उसमें, नहीं वो कदम क्यों उठाया? तने एक बार भी कौन सोची ये मैं तेरे बिना किस तरह रहूंगा? उठ ये भी समझ माई, वो छोरा कौन था? नाग था, और उसकी नागण मर गई थी। जा तो वो हायर नागण करा था, और उसने गलत भी के करया था भाई। मनुष्यता बचाने खातर खुद की नागण से इजाजत लेके वो उनका घर न छोरा बन के गया था। पर नू का आग रहे, यो दुनिया का माया जाले ऐसा है, को लिकड़न ने कौन पाया, वो भी आड़े फंस के रह गया। और वह नागण उस तक प्यार कर आए कर दी, उसका भी योग में उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि यह मोहब्बत चीज जैसी हो रहे, एक दूसरे का दिल में धड़की जा है न, इतने दोनों जीवित रहे हैं। जब जुदा हो गए तो सांस बंद हो जाए। इस चक्कर में वो छोरा रुक के मार दांड था। संदीप तू टेंशन ना ले, इब तो हरिद्वार कोई कोस बच रहा है, तन्ना उड़ा डुबकी मरवा के लियाऊंगा। और तू मेरे गुरु तक चेतावनी ना दिया कर, उसका चेला तेरे श्यामी बैठा है कि मैं पूछना है ना, तो मैं ये बतेरा। राम राम दोस्तों, वीडियो तो हमने देख ली होगी, कॉमेंट करके जरूर बताइयो किसी लागी। देखो मैं तो मेरा नजरिया और मेरी सोच तो बताऊ, मेरे ती उसता उन्हें सुनाई न, और वो नू बोलिया एक जवान छोरा था, आयरे मेरी नागण, मेरी हंसी छूट गई थी। रियल बात है, क्योंकि मैंने मजाक सा लग गया। जिस तरह इस कहानी नाग आगे मोड़ लिया ने, अरे एक झूठ बोली किसने, इसने। उस स्टोरी में बहुत कुछ सीखना था रे आगे, उसमें क्या इसमें सॉरी, क्योंकि देखो एक झूठ ने पूरे परिवार की जिंदगी किस मोड़ पर ले खड़ी कर दी कि मरण की कागार पर। आप झूठ मत बोलो, सच्ची बोलो, जिसी भी है भगवान न्याय करेगा। और वही बात सब भाई, मैं भी स्टोरी थोड़ा गलत था, क्यों? अगर मान ले बारह का नहीं होंगे तो कि शादी तीसरी करने लग जा, चौथी करने लग जा, यो कोई समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन ये काल्पनिक कथा है, हमने दिखाना पड़ा है, टेस्ट बनाना पड़ा है। इस तरह फिल्म हम दिखाओ, फिल्म के सारी साक्षी हों भाई, इस तरह ये स्टोरी है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।